नमस्कार, देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में मैं हूं आपके साथ लीना। बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। रोजगार सहायकों के सम्मेलन में शरीक हुए मुख्यमंत्री, सहायकों की मांगों पर दिया आश्वासन। पंचायत मंत्री ने किया कांग्रेस पर जुबानी वार, सिंहदेव ने कहा मुगालते में ना रहे भाजपा। छत्तीसगढ़ में बढ़ा हाथियों का आतंक, वन विभाग अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में जुटा। और रेडियो वार्ता रमन के गोट में 36वीं कड़ी का हुआ प्रसारण, सीएम ने दी विभिन्न लोक हितैषी योजनाओं की जानकारी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में रविवार को रोजगार सहायक संघ के उपलब्धियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी गांवों से रोजगार सहायक संघ के कार्यकर्ता उपस्थित। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित रोजगार सहायक संघ के कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में रोजगार सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीएम ने रोजगार सहायकों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले पंचायत में कोई काम नहीं था, लेकिन आज करोड़ों के काम पंचायतों में हो रहे हैं। मंत्रालय में बैठकर कैबिनेट में जो फैसले होते हैं उसका क्रियान्वयन का दायित्व रोजगार सहायकों के हाथों में होता है। प्रदेश के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मध्य प्रदेश के शासन कार्यकाल में सहायकों को 500 रुपए वेतन मिलता था। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने से अब रोजगार सहायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार द्वारा एक साल में दो बार उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते अब उन्हें 6000 रुपए का वेतन दिया जाता है। सीएम ने रोजगार सहायकों को उनकी सारी मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि आगे सहायकों की जो भी मांगे होंगी उसको पूरा किया जाएगा। प्रदेश भर के आज इनका एक दिवसीय सम्मेलन प्रदेश के रोजगार सहायक का, और उन्होंने आज स्वागत किया, सम्मान किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका पंचायत के रोजगार सहायकों के विकास के लिए है। पंचायती राज के उस पूरे फंड का उपयोग करने का काम, नीचे स्तर में मजदूरों से बात करने और काम कराने का काम, निश्चित रूप से इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज उन सब ने, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर जो इनके मानदेय मिलता था उसमें वृद्धि हुई है और 6000 और 5000 रुपया देने का काम हुआ है। पहले 2000 था, 4000 और फिर 5 साल पूरा करने वालों को 6000। आगे के लिए हमने कहा है जो इनके मांग पत्र है वह इसमें इस पर फिर से विचार किया जाएगा और जो भी बेहतर हो सकता है सरकार का। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार दौरे और कार्यक्रमों को संबोधित कर सरकार के किए गए कामों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राज्य सरकार के सभी योजनाओं की पोल खोलने में लगी हुई है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजधानी चंद्र नाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर नया रायपुर के किसी एक चौक का नामकरण करने और चंद्राकर समाज के छात्रावास भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए के स्वेच्छानुदान मद से घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ का चंद्र नाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज एक जागरूक और प्रगतिशील समाज है। कृषि व्यवस्था से जुड़े इस समाज ने प्रदेश और देश में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील नेतृत्व प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समाज के बच्चों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से जागरूक समाज है। वर्ष 1926 में दानवीर श्री तुलाराम परगनिया ने नारी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण कार्यों के लिए 11 गांव दान में दिए थे। यह समाज अन्नदाता की भूमिका भी निभाता है। समाज की बहन बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा के रूप में डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान को भी याद किया। पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता सीएम चेहरे के रूप में सिर्फ रमन सिंह को ही जानती है।
रोजगार सहायकों के कार्यक्रम में जहां एक तरफ स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तारीफों के कसीदे गढ़ने में कोई कमी नहीं की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस का बगैर नाम लेते हुए उन्होंने तंज कसा है। चंद्राकर ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसी पार्टी है जो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ रही है। उनके पास छत्तीसगढ़ में बतौर मुख्यमंत्री एक भी चेहरा नहीं होने की बात तो कही है। इसके साथ ही चंद्राकर ने मुख्यमंत्री के तौर पर केवल डॉक्टर रमन सिंह अकेला चेहरा ही बताया है। पंचायत मंत्री ने प्रदेश में नक्सलवाद के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नक्सलवाद सहित छत्तीसगढ़ की सारी समस्याओं के लिए वो ही जिम्मेदार है। कि छत्तीसगढ़ में एक पार्टी बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी, उनके पास छत्तीसगढ़ के लिए कोई चेहरा नहीं। जो चेहरा है उनके शोषण के इतिहास है। जिस नक्सली समस्या का उल्लेख कर रहे थे, यदि उसकी देन है तो उन्हीं लोगों की देन है जो उधर बैठे। जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, जिसको आप अपना बोल सकते हैं, वो चेहरा यदि कोई है, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद। इधर मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस की तरफ से टीएस सिंहदेव ने हमला बोला है। सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस के पास नहीं होना ये भाजपा का एक खोखला विचार है। उन्होंने कहा कि भाजपा की दयनीय स्थिति है कि उनके पास सिर्फ एक चेहरा है, जबकि कांग्रेस के पास कई चेहरे हैं। ये दिख रहा है, ये तो खोखला विचार दिख रहा है। उसके पास सिर्फ एक विकल्प है और जहाँ पर कई विकल्प है उनको वो कमजोर दिख रहा है। जहाँ की कई विकल्प है उनकी दयनीय स्थिति है कि उनके पास एक ही व्यक्ति है। 2003 में उनकी क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति थी, हिमाचल में उन्होंने सीएम का चेहरा दिया तो चुनाव हार गए। कौन सी बात वो कर रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे प्रदेश में बयानों की सियासी तीर भी तेजी से चल रहे हैं। प्रदेश में तीन दफे मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमन सिंह के दावेदार के रूप में कांग्रेस किसे सामने करती है, ये फैसला पार्टी आला कमान ही लेंगे, या फिर कांग्रेस दीगर राज्यों के चुनाव की तरह बगैर किसी एक चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेगी। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने प्रदेश में स्किल ऑन व्हील्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत कौशल रथ के नाम से लोगों में जागरूकता के लिए और कौशल विकास के लिए रविवार को कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में स्किल ऑन व्हील्स कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने किया। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें इस बात से खुशी है, छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार राइट टू स्किल्स बनाकर देश में नया आदर्श खड़ा किया है। यहाँ स्किल ऑन व्हील्स की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश सरकार ने लाइवलीहुड कॉलेज की शुरुआत की, इस वजह से छत्तीसगढ़ का नाम और ऊंचाइयों को छू रहा है। बाकी राज्यों में भी हम छत्तीसगढ़ की इन उपलब्धियों को गिनाते हैं। छत्तीसगढ़ का नाम आज नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ में नौजवानों का जो सपना है उसको साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो मगन है, तो उसके साथ साथ हम केंद्र सरकार द्वारा भी एक नया उम्मीद के साथ हम जोड़ना चाहते हैं। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी श्री रमन सिंह जी ने ये शुरुआत किया है। ये पहला ऐसा राज्य है राइट टू स्किल के एक्ट पास करके हर एक नौजवानों का जो हौसला बढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के अपने मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई राइट टू स्किल्स के माध्यम से अब तक 4 लाख बच्चों को इससे लाभ मिला है, जिनमें से 2 लाख से ज्यादा बच्चों को जॉब मिल चुका है। इनमें SIS, CPET, ICICI और OP जिंदल जैसे नामचीन संस्थान शामिल हैं, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। अब सरकार ने कौशल रथ के जरिए प्रदेश में कौशल विकास के लिए जागरूकता अभियान का आगाज किया है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने प्रदेश में स्किल ऑन व्हील्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत कौशल रथ के नाम से लोगों में जागरूकता के लिए और कौशल विकास के लिए रविवार को कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रदेश में स्किल ऑन व्हील्स कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने किया। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें इस बात से खुशी है, छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार राइट टू स्किल्स बनाकर देश में नया आदर्श खड़ा किया है। यहाँ स्किल ऑन व्हील्स की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश सरकार ने लाइवलीहुड कॉलेज की शुरुआत की, इस वजह से छत्तीसगढ़ का नाम और ऊंचाइयों को छू रहा है। बाकी राज्यों में भी हम छत्तीसगढ़ की इन उपलब्धियों को गिनाते हैं। आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ में नौजवानों का जो सपना है उसको साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो मगन है, तो उसके साथ साथ हम केंद्र सरकार द्वारा भी एक नया उम्मीद के साथ हम जोड़ना चाहते हैं। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी श्री रमन सिंह जी ने ये शुरुआत किया है। ये पहला ऐसा राज्य है राइट टू स्किल के एक्ट पास करके हर एक नौजवानों का जो हौसला बढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के अपने मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई राइट टू स्किल्स के माध्यम से अब तक 4 लाख बच्चों को इससे लाभ मिला है, जिनमें से 2 लाख से ज्यादा बच्चों को जॉब मिल चुका है। इनमें SIS, CPET, ICICI और OP जिंदल जैसे नामचीन संस्थान शामिल हैं, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। अब सरकार ने कौशल रथ के जरिए प्रदेश में कौशल विकास के लिए जागरूकता अभियान का आगाज किया है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट। और यहां